जबरदस्त प्रोग्राम आप लोगों ने करा है कि मेरे पास दीपक सिंह पाटिल के फोन आते हैं, उनका ये कहना था पुरुषोत्तम भाई तिवारी जी कल के साथ आपको साढ़े नौ बजे भाई फोन आएगा जी का, कह रहा भैया कैसे करोगे, हमें क्या हुआ तुम साथी नहीं दे रहे भाई हमारे जो बीच में ये सच्चाई आप कांग्रेस के लोग बैठे हैं कि हमारे बीच में और आपके बीच में गैप बहुत है और उसे भरने के लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और वो जो गैप है मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज, वो गैप आज खत्म है, आज हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में खड़े हैं। रही दूसरी बात, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ आज के जितने कार्यकर्ता आप सब यहाँ पर बैठे हैं कि हम जब कांग्रेस में रहे कॉलेज टाइम से कांग्रेस का आना शुरू किया था भाई जी, तो तब से हम सुनते आ रहे हैं कि मैंने इंदिरा जी के साथ काम किया था, आप सब भी हम आज जो कांग्रेस में प्रियंका जी के साथ काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें भी इंदिरा जी के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे अध्यक्ष लल्लू जी आज पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस को आप देख लो, आपके पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा राजस्थान पंजाब दिल्ली, सबसे ज्यादा अगर हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी नरेंद्र कुमार लल्लू जी मेहनत करते हैं उससे नीचे है सब। कल मेरे पास किसी आदमी ने ये भी कहा कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस काम कर रही है, अगर और प्रदेशों में कांग्रेस काम शुरू कर दे तो ये जो मीडिया है इसकी मजबूरी हो जाएगी, जुमले बाजी दिखाना बंद कर देंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। और आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, हर मुख्य मौके पे मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आदमी ये ना समझे कि मैं आप चाहता हूँ देश बनता आप भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि एक अध्यक्ष बना दे तो बाकी अध्यक्ष बनने के लायक हर, लेकिन मजबूरी क्या एक अध्यक्ष बना, नोएडा में भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप समझोगे कि हमें इंदिरा गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, प्रियंका गांधी जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, अजय लल्लू जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और आप ये समझोगे कि हमारे अंदर प्रियंका नहीं है तो आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज जिले में नहीं पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस की चर्चा होती है,